छत्तीसगढ़ के पूर्व खाद्य मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत लगातार पिछले कुछ दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। आयकर विभाग द्वारा उनके घर में छापा मारे जाने पर और लगातार 5 दिन तक छानबीन किए जाने पर अब उन्होंने भाजपा को घेरना चालू कर दिया है। इसी कड़ी में आज उन्होंने राजधानी रायपुर के कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा और आयकर विभाग पर जमकर निशाना साधा है। कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने कहा कि सरकार द्वारा लगातार केंद्रीय एजेंसी का गलत प्रयोग किया जा रहा है। भाजपा लगातार इन एजेंसी का प्रयोग करके पूरे भारत के गैर भाजपाई राज्यों और कांग्रेस शासित राज्यों में आतंक पैदा कर रही है। हाल ही में झारखंड की आदिवासी नेता और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ भी ऐसा किया गया। इसी दौरान छत्तीसगढ़ में मेरे घर और मेरे सहयोगियों के घर में छापा डालकर मानसिक प्रताड़ना करने की कोशिश की जा रही है। पूरे हिंदुस्तान में जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का कांग्रेस के खिलाफ गैर भाजपाई राज्य सरकारों के खिलाफ आदिवासी नेताओं के खिलाफ उपयोग करके और टेरर पैदा करने का काम पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, और उसी दिन ठीक छत्तीसगढ़ में मेरे निवास सहित पूरे मेरे सहयोगीगण के यहाँ पूरे प्रदेश में आईटी का टीम भेज करके छापा डाल करके और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का कोशिश, डर और भय का वातावरण निर्मित करने का कोशिश, लगातार 5 दिन तक हमको अपनी चार दीवारी से बाहर नहीं निकलने दिया गया। ऐसी ही खबरों में अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए स्वरमई टाइम्स के साथ। मैं हूं आपके साथ प्रियंका साहू। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।